हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूँ रिमी। इस वीडियो पे आप देखेंगे ये बहुत खूबसूरत डबल शेडेड फ्लावर पेंटिंग। इसको मैंने एक प्लेन कुर्ती के ऊपर किया है। आप अपनी कोई भी प्लेन कुर्ती के ऊपर इसको ट्राई कर सकते हैं और उसको एक यूनिक लुक देने के लिए इसको ट्राई कर सकते हैं आप। और ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। सो लेट्स स्टार्ट। कलर के लिए आप यहाँ एक्रेलिक कलर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर फैब्रिक कलर का भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप कोई सिल्क टाइप के कपड़े के ऊपर पेंट करना चाहते हैं तो पार्ल मेटालिक कलर से भी आप कर सकते हैं। कुर्ती के लेफ्ट साइड पे मैं इस डिज़ाइन को बनाऊंगी। और कलर के लिए आप देख सकते हैं, ब्रश की एक साइड पर आपको स्काई ब्लू कलर और दूसरे साइड पर वाइट कलर लेके आपको इस तरीके से ब्लेंड करना है कलर को। ब्रश में बिल्कुल भी पानी ना रहे, नहीं तो दोनों कलर एकदम साथ में मिक्स हो जाएगी। तो एकदम हल्के हाथ से, फ्लैट ब्रश से आप इस तरीके से बना सकते हैं। देख सकते हैं कितना आसान है। बस अब हल्के हाथ से इस तरीके से करें और वाइट कलर को आप आउटर लाइन पे करें और स्काई ब्लू कलर को इनर पॉइंट पे करें। और मैं यहाँ 8 नंबर के फ्लैट ब्रश यूज कर रही हूँ। आप अपने मन पसंद के कलर भी यूज कर सकते हैं आपकी ड्रेस के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से अब भी ये देखिए, ये जो फ्लावर की जो थोड़ी सी एक पत्ती है ये थोड़ी सी अलग है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। आप कहीं कहीं एक भी बना सकते हैं, जैसे वो देख सकते हैं ये एक बाट की तरह हुआ है, तो ऐसे भी आप बना सकते हैं और एक दो ऐसे भी कर सकते हैं और भी खूबसूरत लगेगा। बहुत ही आसान है, बट अगर आप पहली बार ट्राई करते हैं तो मैं आपको बोलूंगी आप पहले ड्राइंग शीट के ऊपर एक दो बार ट्राई कर लीजिए, उसके बाद ही ड्रेस के ऊपर करें। एकदम पहले से ही ड्रेस के ऊपर ना करें, नहीं तो ये नॉर्मल जो पेंट होती है ना उससे थोड़ी सी, ये मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस थोड़ी सी उससे टफ है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। बट एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसानी से आप बना सकते हैं। अब यहाँ ब्रांचेस को पेंटिंग करना है और मैं यहाँ सोच रही थी ब्लैक कलर यूज नहीं करूंगी, तो इसलिए ब्लैक कलर थोड़ी सी करने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं यहाँ ग्रीन कलर यूज कर रही हूँ। ये है सैप ग्रीन कलर। ये कलर मुझे बहुत पसंद है। और कलर अब फेबिक्रिल के एक्रेलिक कलर भी यूज कर सकते हैं या फिर फैब्रिक कलर भी यूज कर सकते हैं या फिर एकदम कोई जॉर्जेट टाइप के ऊपर। वो जॉर्जेट में क्या होती है, जॉर्जेट या शिफॉन में बैक साइड पे कलर बहुत ज्यादा स्प्रेड होती है, तो उस इसलिए आप कोई पार्ल मेटालिक कलर यूज कर सकते हैं, उससे बिल्कुल स्प्रेड नहीं होगा। तो ये ब्रांचेस के बाद सेम प्रोसीड्योर से हमें लीव्स की भी पेंटिंग करना है। और यहाँ मैं सैप ग्रीन कलर और वाइट कलर यूज कर रही हूँ। तो इस तरीके से भी आप लीव्स को बना सकते हैं या फिर दूसरा भी मैं दिखाऊंगी, और इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। आपको जो पसंद है आप वो कर सकते हैं। আর বাঙালি হলে বাংলাতে তোমরা কমেন্ট করতে পারো, কি জানতে চাও আমাকে বলতে পারো। আর আমার একটা ব্লগের চ্যানেল আছে যেখানে এই সব ড্রেসের কাটিং স্টিচিং আমি দিয়ে থাকি, তো তোমরা ওটা দেখতে পারো। ওই চ্যানেলের লিংকটা ডেসক্রিপশনে আছে। আর ইয়ে ফ্লাওয়ার কে ইয়ে আন্দার দেখ সকতে ছোটি ছোটি ব্ল্যাক ডটস, ইসে ফ্লাওয়ার অর ভি জ্যাদা খুবসুরত লাগেগি। আপ ইসকো জরুর করনা। और यहाँ ऑनेस्टली मैं ग्रीन कलर के बाद मुझे लगा ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं फिर से ब्लैक कलर यूज कर रही हूँ ग्रीन कलर के ऊपर सिर्फ ब्रांचेस के लिए। और ये डिजाइन आपको कैसी लगी? अब यहाँ ना मैं थोड़ी सी नीचे भी कर रही हूँ क्योंकि ऊपर ठीक है बट नीचे थोड़ा ज्यादा खाली खाली लग रहा था, तो सेम डिजाइन मैं यहाँ नीचे भी बना रही हूँ। आई होप आपको इस वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी, तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करना। ये है आफ्टर कम्प्लीट, है ना बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, टेक केयर, मेरी क्रिसमस, बाय।